हो गया क्लियर हजार 2022 के बाद जब इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया थ्रू आउट वर्ल्ड इंक्लूडिंग फेडरल रिजर्व ऑल थ्रू आउट वर्ल्ड दर्ल्ड यूरोपियन सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ऑल बिकम हॉकी बट लास्ट दो बार से पॉज चल रहा है यानी कि न्यूट्रल विड्रल ऑफ अकोमोडेटिव स्टांड ओके ओके सो

एग्जाम्पल इफ इन्फ्लेशन इज ट्रेंडिंग टारगेट लेवल स्टैंड ठीक है यही हाल हुआ देन कम्स दिस मॉनिटरी पॉलिसी स्टांस डोभिस में क्या होगा टू गार्ड अगेंस्ट डिफ्लेशन एंड स्टिमुलेट द इकोनॉमिक ग्रोथ जब इन्फ्लेशन कम होगा डिफ्लेशन की स्थिति आ जाएगा तब

के कारण प्राइस बढ़ा प्राइस बढ़ने के कारण क्या हुआ यहां पे देखिए प्राइस बढ़ने के कारण क्या हुआ रिड्यूसेस बोरोइंग इसीलिए जो इस क्वार्टर में रिपोर्ट कर रहे हैं बैंक्स, एनआईएम के ऊपर प्रेशर आ रहा है एनआईएम में ग्रोथ नहीं दिख रहा है ठीक है नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में उतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है क्यों नहीं हुआ है क्योंकि जो लोन का इंटरेस्ट रेट है उतना नहीं बढ़ा है डिपोजिट रेट्स बढ़ गया है लोन एक्सेसिव होने के कारण से डिमांड कम हो गया है लोग कम लोन लेने लगे हैं ठीक है यह है डोफिस उसके बाद अकोमोडेटिव स्टैंड टू तो बूस्ट इकोनॉमी व्हेन ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन सब कुछ इन्फ्लेशन सही है जीडीपी का ग्रोथ कम हो रहा है देश का इकोनॉमी कम रेट से ग्रो कर रहा है इन्फ्लेशन इज अंडर टारगेट बट ग्रोथ इज नॉट विजिबल देन बाई डूंग एक्सपांडिंग द मनी सप्लाई डिक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट मनी सप्लाई को बढ़ाएगा मनी सप्लाई को कैसे बढ़ाया जाएगा सीआरआर और एस एल आर का रेट कम कर दिया जाएगा यानी किल इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन एकोमोडेटिव स्टैंड दिस अलायस मनी सप्लाई विथ नेशनल इनकम एंड डिमांड स्टिमुलेट स्पेंडिंग बाई मेकिंग दोरोइंग चिपर बोरोइंग चिपर हो जाएगा रेट कम हो जाएगा तब ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे ओके, इन ए फेज ऑफ इकोनॉमिकॉमी रुक गया है वहां इंक्रीज स्पेंडिंग एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी ठीक है विड्रॉल ऑफ अकोमोडेटिव स्टैंड मतलब प्राइस डिक्रीज करता जा रहा था इंटरेस्ट रेट अचानक रुक गया दैट मीनस दैट इज अकोमोडेटिव स्टैंड प्राइस बढ़ रहा था अचानक रुक गया ऑफ हॉकी स्ट क्लियर देन न्यूट्रल नेंज्ड नथिंग इज चेन्ज नाइ स्टिमुलेट्स नॉर रिस्ट्रेन इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक कंडीशन आर डीम्ड बैलेंस एंड पॉलिसी रेट नाइद स्टिमुलेट्स नॉर स्लोस डाउन इन द इकोनॉमी ओके इफ द इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग बेटर एट इट्स ऑप्टीमल लेवल विथ इन्फ्लेशन RBI may adopt the neutral Monetary Then we'll discuss about FOMC. MPC इंडिया में है यूएसए में क्या है हर जगह यूएसए को हम कंपेयर करते हैं तो एग्जाम में भी आ सकता है और बहुत ज्यादा इस बार एफ ओ एम सी के ऊपर डिस्कशन हो रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट इतना रिएक्ट नहीं कर रहा है जितना मतलब एमपीसी के ऊपर इतना रिएक्ट नहीं कर रहा है जितना एफओ एम सी के रेट चेंज के ऊपर रिएक्ट कर रहा है पूरा इकोनॉमी आज के डेट में एफओ के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है क्योंकि एफ में रेट बढ़ता है घटता है अमेरिका के बाजार में, बाजार में में रेट बढ़ता है तो क्या इंपैक्ट इंडिया के ऊपर आएगा इन इंडियन इकोनॉमी और इन एनी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी कंट्रीज लाइक डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज इन्वेस्ट लॉट क्योंकि उनके देशों में जहां पे कंट्री डेवलप्ड होता 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 है, वहां पे कम होता है, Bank, FDK, होता है, पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट्स रेट्स कम कम बैंक के के इसीलिए दे फाइंड द अदर मार्केट्स, मार्केट्स, मार्केट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वेरी अट्रैक्टिव। इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम इंडियन शेयर मार्केट वाई कम एंड वहां से जब रेट के साथ छेड़छाड़ होता है यानी कि फेड टैंपरिंग जब होता है तब तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इंडिया जैसे देशों में राइट यू आर गेटिंग माई पॉइंट वाई इज इंपोर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी वाई दिन यूएसएज इंपोर्टेंट एंड अच्छा वेरी गुड क्वेश्चन डोविस एंड अकोमोडेटिव स्टांस के भीतर क्या दिक्कत है मनी सप्लाई को बढ़ा, बढ़ाया जाता है ठीक है इसमें क्या में क्या किया जाता है सिर्फ इंटरेस्ट रेट को लो किया जाता है मगर आकोमोडिटिव में इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है और मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है डिफरेंस ठीक है मतलब सीआरआर और एस में भी रेट कार्ड होंगे क्लियर आई होप यू आर क्लियर वट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी गुगली है गुगली है पावेल जी हमारे प्यारे पावेल जी हैं बहुत बार न्यूज में आए हैं बहुत बार आके इंडियन मार्केट्स को भी हलचल किए हैं ठीक है हमें पता है आप सब कर चुके हैं वेरी गुड कंट्रोल इन्फ्लेशन कंट्रोल इन्फ्लेशन सबसे खुशी की बात है कि रात को साढ़े ग्यारह आसपास होने लगा है और बहुत सारे लोग तीन सौ के आसपास लोग लाइव हैं। व्हाट इज द हॉकी मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस प्राइमरीली एम्ड आर्ट इस तरह के एमसीक्यू कहीं पर डिस्कस नहीं हो रहा होगा आई कैन बेट यू आई कैन बेट यू आई कैन बेट यू इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन डिक्रीजिंग इन्फ्लेशन बुस्टिंग एक्सपोर्ट्स एनकरेजिंग बोरोइंग्स आज तो बहुत कुछ नॉलेज लेके आप घर जाएंगे ऐसे ही रात रात भर जगा के नहीं पढ़ाता मैं ठीक है एंड दिस इज डिक्रीजिंग द इन्फ्लेशन टारगेट इज टू डिक्रीज द इन्फ्लेशन ओके एंड व्हेन इट इज इंप्लीमेंटेड व्हेन इट इज इंप्लीमेंटेड टाइम्स ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेशन देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट होगा तब भी आप आंसर देने के लायक रहेंगे मुझे लगता है कि क्वेश्चन में यह आएगा क्वेश्चन मेकर जब मेरा यूट्यूब का क्लास देख लेगा वो थोड़ा सा इसको चेंज करके आपको दे देगा ठीक है बोलेगा कि ये तो पढ़ा रहा था नॉलेजिस्ट वाला तो क्यों हम ये क्वेश्चन को क्यों रिपीट करेंगे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं व्हेन इज द हॉकी मॉनिटरी पॉलिसी स्टांस इज इंप्लीमेंटेड बाय आरबीआई ऐसे में क्या होगा आंसर अगर क्वेश्चन ट्विस्ट हुआ तो आंसर क्या होगा हॉकिस मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस कब जरूरत पड़ेगा इन्फ्लेशन ठीक है इंक्रीज जब इंक्रीज इन्फ्लेशन हाई इन्फ्लेशन हाँ गूगली ये भी गूगली है आप लोगों के लिए व्हिच ऑफ द्स इज ऑफन एडेप्टेड ड्यूरिंग इकोनॉमिक टर्न डाउन टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑकीस डोविस न्यूट्रल एंड टाइटनिंग Which of the the following stance is often adopted during the economic downturn to stimulate the growth? मुझे लगता है बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को इतने नंबर में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं डोविस ठीक है ठीक है वेरी गुड और भी मैं इसके रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी में सौ एमसीक्यू डाल रहा हूं कल डोंट वरी ओके ट डज ए रेपो रेट कॉट बाई दी आरबीआई रेजॉल्ट इन रेपो रेट कट हो गया तो क्या होगा आजकल वही एलॉबरेटिव क्वेश्चन आ रहा है ठीक है रेपो रेट कितना परसेंटेज है ऐसा एमसीक्यू नहीं आता है आजकल इंक्रीज बोरोइंगस्ट इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू रेड्यूस्ड एक्सपेंस एक्सपोर्ट वॉट डज द रेपो रेट कॉट बाई दरबीआई रेजोल्ट इन वेरी गुड ये भी गुगली था रेड्यूस्ड बोरोइंगस्ट

हमने हॉकी पढ़ाया मतलब ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को आप लोगों के लिए ठीक है जब कॉन्ट्रैक्शनरी होगा व्हाट क्या होगा डिक्रीज इन मनी सप्लाई मनी सप्लाई में कम किया जाएगा मतलब कौन सा स्टैंड लिया जाएगा अकोमोडेटिव क्लियर क्लियर हमारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन अगर टर्न एंड ट्विस्ट भी हो जाए दे विल नेवर रिलेंट

गवर्नर दास को अगर सुना है मैं तो कल आपको भी सर का क्या होगा डिसीजन बहुत लोग बहुत एक्सपर्ट मान रहे हैं कि थोड़ा सा सर बढ़ा देंगे रेट ठीक है तो जो भी होगा उसका एसेंस आपको 11 बजे तक मिल जाएगा यूट्यूब में हमारे प्लेटफॉर्म पर ठीक है तो जब कैलिबरेटेड टाइटनिंग होगा ग्रेजुअल इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट टाइटनिंग मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा टाइटन किया जाएगा राइट गेटिंग माई पॉइंट

रेड्यूसिंग इन्फ्लेशन बुस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ टाइटनिंग मनी सप्लाई रेड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग व्हाट इज द मेन गोल ऑफ अकोमोडेटिव मॉनिटरी सप्लाई जब अकोमोडेटिव स्टांस लिया जाएगा तब क्या होगा एम क्या होगा अकोमोडेटिव मॉनिटरी पॉलिसी का किस चीज को मद्देनजर रखते हुए गवर्नर दास अकोमोडेटिव स्टांस लेंगे रेड्यूस इन्फ्लेशन रेड्यूसिंग इन्फ्लेशन बुस्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ टाइटनिंग मनी सप्लाई रेड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग सी थोड़ा कंफ्यूजन है थोड़ा सा कंफ्यूजन है इज लिटिल कंफ्यूजन इट इज बुस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ बुस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ राइट वेरी गुड वट टूल कैन आरबीआई यूज टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन दैंकिंग सिस्टम इंक्रीज सी आर आर इंक्रीज रेपो डिक्रीज एस एल आर डिक्रीज रिवर्स रेपो रेट आपका बहुत आइडियाज क्लियर कर हो जाएगा बहुत आइडिया क्लियर हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन का लेवल देखिए आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया आपको कितना भी कंफ्यूज करना चाहे क्वेश्चन में कर कभी भी नहीं कर पाएगा और ये तो ग्लीम्स है ये ग्लीम्स है 50 एडिशनल क्वेश्चंस 50 मोर क्वेश्चंस ऑन मॉनिटरी पॉलिसी आपको एप्लीकेशन में दे दिया जाएगा कल पढ़ना ठीक है डिक्रीज एस एल कम हो जाएगा तो कैश ज्यादा आएगा कैश ज्यादा आएगा बैंक ज्यादा बोरोइंग सॉरी ज्यादा लेंडिंग कर पाएंगे ठीक है कि नहीं मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाएगा क्लियर इंक्रीज मनी मनी सप्लाई